आम आदमी पार्टी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है पंजाब में, दिल्ली में, ये सब लोगों को जानकारी थी किस तरह धर्म परिवर्तन के अड्डे खोल रखे हैं। लेकिन जनतक तौर पर सामने खड़े होकर मंच पे कभी कोई ऐसी बात कहेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो भी जो भारत के संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की कसम खाकर मंच से ये कहे कि मैं एक विशेष धर्म के गुरु राम जी को, कृष्ण जी को, वर्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, मैं कसम खाता हूं मैं कभी इस धर्म को नहीं मानूंगा, लोगों को कसम खिलानी धर्म छोड़ने के लिए, मैं एक सिख हूं, मेरी गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था है, मैं उनकी बात करूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके किसी धर्म के विरोध में मंच पर खड़ा होकर लोगों को कसमें खिलाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज, मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोरा कैसा होगा, अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो, कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है, ये इसका संविधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी देश को क्या देना चाहती है, किस तरह की आग में धकेलना चाहती है देशवासियों, मुझे आज अपने परिवार की चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का कैसा होगा जब मुख्यमंत्री मंचों पे खड़े होकर ये कहेंगे, मंत्री मंचों पे खड़े होकर कहेंगे इस धर्म को नहीं मानते, इस धर्म के लोगों को भगवान नहीं मानते, इस धर्म के गुरु को नहीं मानते हम, ये आप कैसा पाप और अन्याय कर रहे हैं, ये घोर पाप और घोर अन्याय है और हमारे भारत की अखंडता को तोड़ने वाला काम है। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जो भाषा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपमान करना, हिंदू परंपराओं का अपमान करना, इस प्रकार की भाषा वो भी मंत्री रहते हुए, ये शायद देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोली है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का, लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। हम लोगों ने उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली पुलिस दोनों से राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन देखना यह है कि हिंदू विरोधी मंत्री, उसकी भद्दी भाषा, इसके ऊपर केजरीवाल क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अगर केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम पर 24 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लिया, उसे नहीं हटाया, तो अरविंद केजरीवाल का यह हिंदू विरोधी चेहरा इसको घर घर लेकर जाएंगे। गुजरात में भी जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां पर राजेंद्र पाल गौतम का ये वीडियो जनता को दिखाया जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। खबर का मतलब है एक भरोसा।